For latest educational updates, kindly subscribe SKB Education News. Hello friends, welcome to our channel. बात करते हैं सन 2019 में होने वाली राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों की, और इसमें सबसे मोस्ट जो अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड मान लीजिए चाहे आरएएस मान लीजिए, इनकी परीक्षाओं का समय विभाग से कर ऑलरेडी घोषित हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम बात करेंगे वो रीट या टेट भर्ती 2019 और पुलिस भर्ती की। रीट या टेट 2019 का पिछले कई दिनों से एक अफवाह चल रही है कि ये कब होगी क्या होगी, तो निश्चित रूप से हमारा ये आकलन है कि 2019 में रीट जो है वो शायद नए नाम से आरटेट के नाम से श्योर होगी। और आरटेट में क्या सिलेबस हो सकता है, क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो तैयार कर रहे हैं और वो आपको 2-3 दिन में ही उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए जो रीट से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं या टेट से जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे जैसे ये वीडियो हमारा लोड हो ये आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ हम बात करेंगे पुलिस की, जिसकी बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को इंतजार है। पुलिस भर्ती का 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है। फिलहाल आचार संहिता के कारण ये विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं, तो पुलिस भर्ती को लेकर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरपीएससी से भर्ती से संबंधित वीडियो हमने पहले से डाल चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जो है वो किसी भी समय देख सकते हो। और अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसी भर्तियां जो इस साल किसी न किसी वजह से अटकी हुई हैं, कुछ परिणाम अटके हुए हैं, जैसे हेडमास्टर देख लो या सब इंस्पेक्टर भर्ती है जिनके परिणाम तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की आपत्तियां जारी होने के बाद में वो परिणाम भी जारी करने की स्थिति में आरपीएससी अब है, तो ये कब होगा, क्या पोजीशन रहेगी, इसको लेकर हम एक न्यूज देखते हैं। उस न्यूज में ये बताया गया है कि कौन कौन सी भर्तियां जो है इस समय अटकी हुई है, कौन सी परीक्षाओं का इंतजार है, तो आइए देखते हैं हम वो न्यूज। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कुछ ऐसी भर्तियों की जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ है, परीक्षा इनकी हो चुकी है। उसमें है एसआई भर्ती 2016, इनकी परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं हुआ, इनके 330 पद हैं। और सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 के 9,000 पदों पर उत्तर कुंजी जारी हो गई है, आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि परिणाम तैयार है, अभी इसका परिणाम आना बाकी है। इसके अलावा आप देखिए प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 के 1200 पदों पर जो 2018 में परीक्षा हुई थी, उसका परिणाम भी अभी इसी सप्ताह या 1-2 सप्ताह में जारी होने की संभावना है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 1832 पदों पर जो भर्ती हुई थी, उसमें भी अभी परिणाम में देरी हो रही है। इसके अलावा देखिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, इस भर्ती के कुल 1200 पद थे और इनकी परीक्षाएं होने के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई थी और उस पर आपत्तियां मांगी गई, उसके पश्चात ऐसा माना जा रहा है कि इसका भी परिणाम अंतिम दौर में है और ये भी परिणाम शीघ्र जारी किया जा सकता है। एनटीटी भर्ती परीक्षा 2018 के 1310 पद हैं, इनकी परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 309 पद और महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 180 पदों पर भी परिणाम अभी जारी नहीं हो पाया है। तो ये वो परीक्षाएं हैं जिन जो संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी परीक्षा परिणाम आना शेष है। इसके अलावा 2019 में होने वाली कुछ और परीक्षाएं हैं जिनका बेरोजगारों को इंतजार है। स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 कुल 1085 पद, फार्मासिस्ट भर्ती 2018 कुल 1736 पद, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 5,000 पद और आरएएस 2016 कुल 725 पद। और आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं की तिथियां पहले ही घोषित की जा चुकी हैं, तो ये भी अपने निर्धारित समय पर होने की संभावना है। एक और परीक्षा है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आरएएस 2018 के 1017 पदों की, तो वहाँ प्री का परिणाम जारी हो चुका है और अब मुख्य परीक्षा के लिए जून का समय दिया गया है। एलडीसी परीक्षा 2018 के 11,255 पदों का परिणाम लिखित परीक्षा का जारी हो चुका है, लेकिन दूसरा चरण जो है टाइपिंग टेस्ट, उसका
उसकी प्रक्रिया अभी जारी नहीं हो सकी है। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।